हाय, दिस इज़ न्यूट्रिशनिस्ट हरप्रीत पसरीचा और आज हम बात करेंगे बटरफ्लाई शेप्ड एंडोक्राइन ग्लैंड जिसको बोलते हैं थायराइड। सो सी दिस वीडियो टू नो व्हाट यू शुड ईट एंड व्हाट यू शुड अवॉइड इफ यू हैव हाइपरथायरायडिज्म। So thyroid is basically a butterfly shaped endocrine gland which is located in the neck. और कहाँ से प्रोड्यूस होता है, जस्ट टू गिव यू लिटल ब्रीफ, दैट आर हाइपोथैलेमस गिव्स अ सिग्नल टू अ पिट्यूटरी ग्लैंड टू रिलीज TSH एंड विच फर्दर रिलीजेज T3 एंड T4 विच आर वेरी इंपॉर्टेंट हॉर्मोन्स, थायरॉयड हॉर्मोन्स, एंड इफ दे आर इन नॉर्मल रेंज देन योर थायरॉयड फंक्शनिंग इज नॉर्मल, बट इफ दे आर मोर और लेस देन दैट्स हाउ यू गेट हाइपर और हाइपोथायरॉयडिज्म। So if a person has hyper or hypothyroidism, there are many functions which are hindered. Because जो thyroid है बहुत सारे functioning में help करता है. So right from appetite to good digestion to breaking down or absorption of nutrients to your metabolism. So अगर आपकी जो thyroid levels जो हैं T3, T4 के ऊपर नीचे हैं तो automatically ये सारी चीज़ें affect होना शुरू हो जाती हैं. Similarly हमारे muscle function या bone formation या bone maintenance, जैसे especially उसकी density maintenance के लिए, calcium phosphorus के absorption के लिए, brain development के लिए, memory के लिए, thyroid plays very very important role. So it has many many major roles in so many different systems of our body. सो जब हम सिम्टम्स की बात करते हैं, सो वेदर इट इज़ हाइपर और हाइपोथायरॉयडिज्म, सिम्टम्स में समटाइम्स दे आर सो स्लो एंड सो ग्रेजुअल कि हम लोग उसको नोटिस नहीं कर पाते। सो इन हाइपर थायरॉयडिज्म जहाँ पे T3 एंड T4 की प्रोडक्शन इज मोर, वहाँ क्या हम देखते हैं कि देर इज़ लॉट ऑफ मसल लॉस हैपनिंग एंड पीपल आर लूजिंग वेट, एंड जहाँ पे T3 और T4 की प्रोडक्शन लेसर हो जाती है, दैट इज़ हाइपोथायरॉयडिज्म, उनका मेटाबॉलिज्म कम्प्लीटली स्लो हो जाता है एंड दे आर नॉट एबल टू ब्रेक एंड एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स, सो लॉट ऑफ डेफिशिएंसीज ऑल्सो इन द बॉडी, हॉर्मोनल चेंजेस एंड लॉट ऑफ वेट गेन, एंड मेनी अ टाइम्स दे आर ट्राइंग टू लूज वेट समहाउ बट दे आर नॉट एबल टू मैनेज टू लूज वेट। सो दैट आर जनरल सिम्टम्स। अलॉन्ग विद दैट हम देखते हैं फटीग, टायर्डनेस, स्लीपी, लो मेमोरी की कुछ याद नहीं रहता, भूल जाते हैं हर चीज़ में, कोल्ड इनटॉलरेंस, ऑल्सो मेनी अ टाइम अ डिफरेंट हार्ट रेट, स्पेशली अ स्लोअर हार्ट रेट। सो दीज आर यूजली सिम्टम्स वॉट वी सी इन पीपल हु हैव थायरॉयड, स्पेशली हाइपोथायरॉयडिज्म। सो अगर हम देखते हैं कि हाइपर और हाइपोथायरॉयडिज्म में से कौन सी चीज़ ज़्यादा कॉमन है, वो है हाइपोथायरॉयडिज्म, और कौन से जेंडर ग्रुप को वी यूजली सी विमेन गेटिंग मोर अफेक्टेड देन मेन, समटाइम्स वी ऑल्सो सी चिल्ड्रन गेटिंग अफेक्टेड, बट मेनली वुमेन आर द जेंडर विच वी हैव सीन आर गेटिंग अफेक्टेड क्वाइट अ बिट विद हाइपोथायरॉयडिज्म। क्या ये रिवर्सिबल है? अगर आप सब क्लिनिकल लेवल पे हैं, जैसे कि अभी अगर आपको जस्ट डिटेक्ट हुआ है या बॉर्डर लाइन पे है, तो येस। एंड अगर आपको ऑलरेडी थायरॉयड है और आप एक हैवी डोज ऑफ मेडिकेशन पे हो, या 50 mcg या 75, आप एटलीस्ट इतना कर सकते हो दैट यू कैन टेक ऑल दी प्रिकॉशंस एंड यू कैन टेक ऑल दी गाइडलाइंस टू मेक श्योर कि आपकी जो मेडिकेशन है और बढ़े ना, बिकॉज जितनी ज़्यादा मेडिकेशंस खाएंगे उतना ज़्यादा आपका गट एंड अदर सिस्टम्स या लिवर, किडनी, एवरीथिंग गेट्स अफेक्टेड। सो एटलीस्ट व्हाट यू कैन डू इज़ यू कैन ट्राई टू कंट्रोल टू द लेवल्स वेयर यू आर एंड नॉट रेज देम और लोअर देम फर्दर। Now let's talk about the nutrition therapy, what you can use for people who have hypothyroidism mainly. So first of all is do not have any soya products, because isoflavones in soya, they are said to have some kind of contradiction with thyroid hormone. So avoid anything which is based of soya, like tofu, edamame, or soya milk, soya atta, or even soya nuts. So try and avoid soya products. Now, cruciferous vegetables like cauliflower, broccoli या cabbage, जो बंद गोभी, फूल गोभी होती है, they may also interfere with the production of the thyroid hormone, especially if you have iodine deficiency. So best thing to do is either you restrict yourself, जब भी खा रहे थे एक smaller quantity में खाइए, and secondly उसको definitely cooked form में खाइए, so cabbage का जैसे salad वगैरह है उसको avoid कीजिए। Another thing which you should restrict is caffeine. So caffeine intake, whether if you're taking too many cups of tea or coffee, that can irritate your thyroid gland. In fruits, strawberries, peaches and pears can be restricted, and in nuts, peanuts should be kind of avoided if you have hypothyroidism. Now let's talk about certain nutrients one should focus when they have thyroid. Selenium, chromium, zinc, vitamin D, calcium and B vitamin. This is something we see that people who have thyroidism, they get deficient in.
So you have to keep a regular check if you're seeing any symptoms or hair fall. You should understand you may be getting deficient in any of these nutrients. And you have to make sure that you're consuming all the food groups, having enough vegetables, fruits, drinking enough water, and focusing on things like pulses, chickpeas, rajmas, or dairy, egg, because all these minerals can be replenished from these foods. Another important nutrient is iodine. Now, iodine is something which our body cannot manufacture, and deficiency of iodine can cause an enlarged gland that is called as goiter. So natural sources of iodine are banana, egg, dairy or fish. We do use iodized salt at home and then we think, okay, we are taken care of, but that's also a refined form. So try and stick to something which is more natural and is coming from the natural sources. Now that you have the list with you, what to avoid, what to have, I'm also going to give you a few more tips which are very important. So first thing is about processed foods. Now processed foods kis cheez se bante hain? Processed food mein ya to refined flour, ya refined oil, ya refined sugar rehta hai, which can create a havoc in your system. So inko aap minimum quantity mein rakhiye. So aapke biscuit, namkeen, juices, jo bhi aapko ya yogurts market mein ye sab milta hai. So keep it to minimum, as much you can restrict to that. Now two is alcohol. As much you can reduce the consumption of alcohol, if you can quit, is best thing to do, because it's also loading up your liver, and finally again your entire metabolism and your metabolic rate and your liver loading is happening here. Quit smoking, so completely quit smoking. Stay active every hour. Exercise is very important. I'm sure if you're thyroid, most of the people walk ke liye chale jaate hain, gym chale jaate hain. But staying active throughout the day is equally important, because generally with hypothyroidism we see a slower heart rate, we see a slower metabolism. So staying active can take care of your metabolism. Now along with these all things, very very important thing is how to control stress, because stress is something again which can release cortisol, and cortisol can further kind of interfere with the production of the thyroid hormones. So de-stress on a regular basis. I understand that stress is inevitable, chahe wo kaam hai, relationship hai, bacche hai, finances hai, we all get stressed. But how to de-stress yourself is what you have to learn. So whether it's a music therapy or going for a walk or speaking to a counselor, you have to make sure that you're de-stressing yourself on a regular basis. So with thyroidism, you must have understood that there are certain foods which can trigger or aggravate the problem, and there are certain things, certain holistic approach which can control the problem. So now with this video, you must have understood what to have, what to not have for a healthy and a happy life.